यस हेलो माय डियर फ्रेंड, बेटा गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। चलिए तो एक बार बताइए मुझे बेटा, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस एवरीवन टेल मी फास्ट बेटा, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी लोग यस बालक, टेल मी फास्ट, ऑडियो एंड वीडियो बेटा बोथ आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और सभी लोग यार शेयर और लाइक कर दिया करिए तुरंत, और जल्दी से जल्दी जुड़िए सभी लोग, बिकॉज टुडे टॉपिक इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, आई थिंक बेटा ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर फ्रॉम माई साइड। चलिए तो शुरू करें बेटा। नाउ मीन वाइल आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स अगेन। ओके, सबसे पहले तो आपको गेट एट 24/7 का ऐप इंस्टॉल करना है। एंड माई डियर फ्रेंड, इफ यू आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। ओके, एज वेल एज माई डियर फ्रेंड, यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ गेट 24, गेट 25, ओके, बाई यूजिंग कोड ऑफ Y503। ओके, तो ये कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी आती है, देन यू कैन आस्क। ओके, चलिए शुरू करते हैं बेटा। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू एंड अदर फैकल्टीज शेड्यूल और यूट्यूब क्लासेस भी कैन से। सभी लोग बेटा एक बार फर्दर मुझे बताइए फटाक से, ऑल दी पॉइंट्स आर क्लियर एट दिस मोमेंट? तो शुरू करें स्टोरी को बेटा। वी वॉन्ट टू डिस्कस टाइप ए कम्यूटेशन। ओके, वॉट इज द मीनिंग ऑफ टाइप ए कम्यूटेशन? वाई वी वॉन्ट टू डू ए स्टडी ऑफ बेटा कम्यूटेशन सर्किट? एज वी डिस्कस अर्लियर, यार क्या डिस्कस किए बेटा अर्लियर? अर्लियर वी हैव डिस्कस काइंड ऑफ द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोर्स कम्यूटेशन। एक बार सभी लोग यार जुड़ जाइए, फिर मैं सही से बोलना शुरू करता हूँ, ठीक है? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बेटा द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोर्स कम्यूटेशन। नाउ दिस फोर्स कम्यूटेशन रिक्वायर्स सम एक्सटर्नल सर्किट टू टर्न ऑफ स्पेशली अवर बेटा लो फ्रिक्वेंसी SCR, वट एवर SCR वी यूज इन द सर्किट ऑफ माई डियर फ्रेंड साइक्लो कन्वर्टर और AC to DC कन्वर्टर, इन अदर वर्ड्स यू नो वेरी वेल रेक्टिफायर। तो अब इसमें हम किस टाइप के, कितने टाइप के फोर्स कम्यूटेशन सर्किट यूज करते हैं? अगर मैं गेट सिलेबस की बात करूं तो बेटा 2 से 3 आते हैं, बट अगर इन जनरल बात करें तो बहुत सारे होते हैं। ओके, मोर देन 8-9 टाइप्स। तो चलिए शुरू करें। तो पहला पॉइंट हम उठाना चाह रहे हैं टाइप ए कम्यूटेशन का, बट बिफोर दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड, रेनू सर की क्लास होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की 8:30 PM पे एवरी डे, वीकली ऑफ है फ्राइडे आई थिंक। संतन सर पावर सिस्टम 6 PM, अनंत सर मैथ्स एंड EMT 3 and 5 PM, एंड माई क्लास इज ऑलवेज 10:30 PM, ठीक है? तो चलें शुरू करें कहानी को। यस एक बार सभी लोग शेयर और लाइक कर दीजिए। तो नाउ माई डियर फ्रेंड, वी वॉन्ट टू डिस्कस कम्यूटेशन सर्किट अगेन इन द रेक्टिफायर ग्रेड SCR। सभी लोग जुड़ जाइए यार, इन द रेक्टिफायर ग्रेड SCR। यस एवरी वन, स्टार्ट किया जाए बेटा। तो कम्यूटेशन सर्किट फॉर रेक्टिफायर ग्रेड SCR, दैट मीन्स द SCR वट एवर वी यूज माई डियर फ्रेंड फॉर रेक्टिफायर सर्किट और वी कैन से साइक्लो कन्वर्टर। तो इसी में हम बात करते हैं। ओके, जैसे कि हमने पुराने सेशन में बात किया था, डिस्कशन किया था बेटा, कि अगर हम बात करें रेक्टिफायर ग्रेड SCR की, तो डेफिनेटली सच टाइप ऑफ SCR आर लो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी SCR, सो द डिजाइनिंग ऑफ कम्यूटेशन सर्किट इज समवॉट ईजी, समवॉट ईजी। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखें बेटा, तो हमारा मेन काम क्या है कि वंस बी ट्रिगर्ड SCR, बहुत ध्यान से समझना बेटा, वंस बी ट्रिगर्ड आर ट्रिगर्ड SCR बाय गेट पल्स, देन व्हाट विल हैपन यार? ना बेटा, ऑब्वियसली दिस SCR इज कनेक्टेड इन द सर्किट यार, दिस SCR इज कनेक्टेड इन द सर्किट समवेयर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, दिस लोड कैन बी एनी टाइप एंड दैट सप्लाई बेटा कैन बी आल्सो एनी टाइप, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी DC, इट कैन बी AC, बट व्हेनेवर दिस सप्लाई इज AC, यू नो वेरी वेल नेचुरली दिस SCR विल बी कम्यूटेटेड, बट ओनली आफ्टर पाई, नॉट बिफोर दैट इन जनरल। इफ यू आर कंसीडरिंग RE लोड, देन
डेफिनेटली एस सी आर विल कम्यूटेटेड बिफोर पाई एज वेल, बट हम मान लेते हैं कि यार इतना ध्यान रखो कि एस सी आर के अक्रॉस जब तक नेगेटिव वोल्टेज अपियर नहीं होगा एस सी आर विल नॉट कम्यूटेट. बट द मेन प्रॉब्लम राइजिंग बेटा व्हेन वी आर हैविंग सप्लाई इज यूनिपोलर, दैट मीन्स द सप्लाई वोल्टेज पोलैरिटी इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, इट इज फिक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर सप्लाई वोल्टेज पोलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फिक्स है तो इसका मतलब बेटा कभी भी सप्लाई इसको नेचुरली ऑफ नहीं करेगी. Now, this SCR we can turn off either by this load process or by using some external circuit, as I told you earlier also. So, due to this reason, beta, type of commutation again divided into different category by using some external circuit or by load commutation. What is the meaning of this load commutation? Try to understand. It is not mandatory that all time you require some external circuit to turn off SCR. Sometimes your load is sufficiently capable to turn off your SCR according to the need. If you are going to adjust load parameter in such a way, for example, you are using some inductor and capacitor in the load. So these inductor and capacitor values will describe for how much time your SCR must be on, and for rest time definitely SCR will be off. Okay, so itni baatein clear hai sabhi ko? Ek baar sabhi log bataiye beta, itni baatein clear hai? तो अब हम इस बेस पे ऐसे कह सकते हैं कि बेटा सर हमारे पास जो एस सी आर होते हैं या जो भी हम इसको ऐसे बोल दें बेटा जिस भी एस सी आर को ऑफ करना है उस एस सी आर के लिए हमारे पास दो ट्रिक फिर से हैं. एक है बाय यूजिंग सिंपल एक्सटर्नल सर्किट और दूसरा है लोड कम्यूटेशन. और ये दोनों ही चीज़ें फोर्स कम्यूटेशन की कैटेगरी में आती हैं इन जनरल बेसिस. हालांकि ऐसा है कि कभी कभी हम लोड कम्यूटेशन को फोर्स कम्यूटेशन में नहीं भी डालते हैं बिकॉज समटाइम्स इट इज कॉल्ड बेटा रेजोनेंट कम्यूटेशन और नेचुरल कम्यूटेशन एज वेल. तो अगर मैं आपसे बात करूं तो कम्यूटेशन अगर हम इसको ऐसे लिख दें वी कैन प्रोवाइड कम्यूटेशन टू एस सी आर. We can provide commutation to SCR by using external circuit across the SCR. Okay, SCR is called commutation circuit. It's called beta commutation circuit by load parameters we can also turn off SCR. इतनी बात भी क्लियर है टू एवरीवन? सभी लोग बोलते रहे इतनी बात भी क्लियर है बेटा टू एवरीवन? अब यार इस बात को जब हम समझ गए कि सर एससीआर को ऑफ करने के लिए आइदर वी रिक्वायर एक्सटर्नल सर्किट और लोड भी उसको ऑफ कर सकता है तो इस बेस पे हम दो कैटेगरी इसमें डिवाइड कर दिए. एक बाय लोड कम्यूटेशन, एक बेटा बाय लोड. ओके, बाय लोड कम्यूटेशन यानी कि एससीआर को हम ऑफ करेंगे लोड की हेल्प से और सेकेंड बाय एक्सटर्नल सर्किट. तो यार हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हेन वी रिक्वायर एक्सटर्नल सर्किट एंड व्हेन वी डोंट रिक्वायर एक्सटर्नल सर्किट. ओके, चलिए तो हम लोड कम्यूटेशन पे आते हैं. लोड कम्यूटेशन के लिए सबसे पहले हमने जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा वी आर हैविंग मेनी टाइप्स ऑफ कम्यूटेशन सर्किट सो दिस इज आवर टाइप ए कम्यूटेशन. बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को कैच करिएगा. दिस इज टाइप ए कम्यूटेशन. ओके सुमित, या गुड नून बेटा. तो ध्यान से समझिए बेटा टाइप ए कम्यूटेशन. तो अभी तक हम क्या क्या समझे? अभी तक हम सर दो तीन बातें समझे. एक बार सभी लोग यार शेयर और लाइक करते रहो. अभी तक हम दो तीन बातें समझे हैं. एक, वी आर हैविंग टू टाइप कम्यूटेशन, नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोर्स कम्यूटेशन. अब फोर्स कम्यूटेशन में आए तो बहुत सारी कैटेगरी चली जाती है, उसमें से भी बेटा टाइप ए को हम नेचुरल कम्यूटेशन भी बोल सकते हैं. ओके, बट प्रॉब्लम है नेचुरल कम्यूटेशन की जगह बेटर होगा लोड कम्यूटेशन बोलो, क्योंकि नेचुरल कम्यूटेशन एक अलग वर्ड है. एंड दिस नेचुरल कम्यूटेशन कमिंग इनटू द पिक्चर ओनली व्हेन वी आर हैविंग सम एसी सप्लाईज एंड ड्यू टू दिस सप्लाईज अवर एससीआर आर गोइंग टू बी टर्न ऑफ. ओके, सो इन दिस सिचुएशन माय डियर फ्रेंड वी आर हैविंग मेनी टाइप्स ऑफ कम्यूटेशन स्ट्रेटजीज और वी कैन से टोपोलॉजीज. ओके, टू टर्न ऑफ अवर एससीआर एंड दिस टोपोलॉजीज इन जनरल वी कैन डिफाइन लाइक टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड सो ऑन.
एंड आउट ऑफ दीज बेटा वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट वन इज टाइप ए कम्यूटेशन. तो पहला क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, टाइप ए कम्यूटेशन. इतनी बात क्लियर है टू एवरीवन. अब टाइप ए कम्यूटेशन का एक स्टैंडर्ड सर्किट होता है, ये खूबसूरती है. आप हमेशा ध्यान रखिए बेटा, जब भी हम कम्यूटेशन सर्किट की बात करेंगे तो हमें ये पॉइंट ध्यान में या जहन में रखना है कि अगर कोई हमसे ये बोल रहा है कि टाइप ए है, टाइप बी है, टाइप सी है, टाइप डी है, तो इनका स्टैंडर्ड सर्किट अपने माइंड में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नया सर्किट एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा. ओके, अगर पूछते हैं बेटा तो सर्किट साइज विल बी रियली वेरी वेरी स्मॉल. ओके, सो दैट वी कैन डू एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट इन मिनिमम टाइम. इन मिनिमम टाइम, अभी इतनी बात क्लियर हो रही है, इन मिनिमम टाइम. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो बेटा टाइप ए कम्यूटेशन होता क्या है बेसिकली, अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा वी आर हैविंग सम रेजिस्टिव लोड. ओके, फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं आपसे ऐसे रफली बात कर दूं कि वी आर हैविंग सम रेजिस्टिव लोड, जरा ध्यान से समझिएगा बेटा, We are having some resistive load. Okay? हम लोगों ने एक resistive load लिया और एक सेकंड हम कुछ resistive load ले लेते हैं और उसके हिसाब से थोड़ी सी कहानी को लिखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, हम लोग एक resistive load ले लेते हैं और उसके हिसाब से कहानी को लिखने की कोशिश करते हैं. Just give me few second. तो चलिए अगर हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे ले आए और यहाँ पे ले आए और एक एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. लेट अस अज्यूम लोड इज, बहुत ध्यान से सुनो बेटा, लेट अस अज्यूम लेट लोड इज रेजिस्टिव, लोड इज रेजिस्टिव. ओके, लोड इज रेजिस्टिव. अब बेटा रेजिस्टिव लोड है तो इसके बहुत सारे पैरामीटर होंगे, सर लो रेजिस्टिव लोड है कि हाई रेजिस्टिव लोड है एंड सो ऑन. तो अगर हम बेटा ये मान लें कि लोड इज रेजिस्टिव एंड वी वांट टू प्रोवाइड लोड कम्यूटेशन, देन हाउ वी कैन अचीव दिस जॉब, इसको समझने के लिए हमें कुछ सर्किट पे काम करना पड़ेगा. ओके, तो हम यहां मान लेते हैं लोड इज रेजिस्टिव एंड केस वन इज बेटा ओके लो और मॉडरेट वैल्यू, लो और मॉडरेट वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर दैट मींस लोड रेजिस्टेंस. और सेकेंड मान लेते हैं बेटा आर इज हाई, R is high. Okay, so high value of load. यानी कि दो type के load हो सकते हैं, एक R small और moderate और एक R high. और इस R को रख के बेटा हम लोग यहाँ पे आगे बहुत ही नहीं होता शिद्दत से point को catch करने की कोशिश करना. Okay, जैसे हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने यहाँ से एक circuit उठाया और मैंने आपसे ये कहा यार कि we are having बेटा some resistive load here. Okay, so just give me few seconds. Okay, for the better understanding, I just want to redraw बेटा once. ओके, इसको जरा हम लोग बता दें. और मैंने आपसे यार सिंपल एक पॉइंट कहा यार बेटा कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक रेजिस्टिव लोड है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब हम चॉपर सर्किट की बात करते हैं तो चॉपर सर्किट में हम मान लेते हैं बेटा इट इज स्टेप डाउन, बहुत ध्यान सुनिएगा, इट इज स्टेप डाउन चॉपर विथ प्योर रेजिस्टिव लोड एंड दीज पैरामीटर्स आर वी नॉट एंड आई नॉट. ओके, नाउ एक्साइटेशन इज डेफिनेटली डीसी. ओके, सो अगला पॉइंट लिख देते हैं बेटा हियर. Excitation means, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट कैच करना. Excitation means, what is the excitation means? That means Vs, where Vs is beta pure DC supply, pure DC voltage source, or ideal DC voltage source, pure DC voltage source, or ideal DC voltage source. एक बार सभी लोग यार share और like करते, ठीक है? इतनी बात भी clear है? आगे बढ़ते हैं बेटा. अब मैंने आपसे ये कहा कि यार we have triggered this SCR at some time t equal to zero. ऐसे मान लेते हैं बेटा, we have triggered this SCR at t time zero. तो अगर हमने zero पे SCR को trigger किया, then try to understand बेटा, once SCR triggered, that means will come into conduction mode. And when it will come into conduction mode, what will be the V naught? V naught equal to sir Vs. And the moment at which we don't require any output voltage बेटा, we have to turn off this SCR by any process. Okay, so at this moment, I'm not going to explain that process. Just assume that SCR is going to be on for certain time and off for rest time. Okay, in the particular time period of T. So I just want to write, beta, this is some capital T. Out of this, up to T on, the SCR is on, otherwise SCR is off. So when SCR is on, V0 is equal to Vs, otherwise, beta, V0 is zero, and again, V0 equal to Vs. Like this cycle will repeat, yaar. So this is the portion in which SCR is on and that is the portion in which our SCR is off. So there is no problem, my dear friend. See here, what is happening actually in this case? This is the output voltage V0T
and is equal to Vs when SCR is on. So definitely at this instant, my dear friend, we require triggering circuit. So here beta, triggering circuit required to trigger our SCR or to turn on our SCR. But what will happen at this instant, beta? At this instant, we require commutation circuit because natural commutation is absent here. Okay, so see, my dear friend, star karke likh dete hain, natural commutation is absent. Natural commutation is absent here. Natural commutation is absent here. You are getting my point, beta? सभी लोग यार देखो, ये टाइप ए कम्यूटेशन वो नहीं है जैसे लोग लिबरा देते हैं. ये टाइप ए कम्यूटेशन ऐसा है जिसके बाद गेट का ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो आपसे डील ना हो. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, एट इक्वल टू जीरो वी अज्यूम दैट वी ट्रिगर्ड अवर एसआर, सो एसआर इज ऑन. सो हियर बेटा, एट इक्वल टू जीरो वी रिक्वायर ट्रिगरिंग सर्किट टू टर्न ऑन एसआर. एज वी नो दैट इन एसआर बेटा, वंस our anode current is just higher than the latching current, we can remove this triggering circuit. So the triggering circuit purpose is only we are using for few microsecond only. After that beta, this SCR will turn or will conduct according to our choice. But at time t equal to t on, we want to turn off this SCR. So definitely here beta, natural commutation absent, so we require force commutation. So yahan pe hame kya chahiye? Force commutation required. Itni baat clear hai to everyone beta? Force commutation required. Everyone tell me, all the points are clear yaar? Ki sir, yahan pe gate triggering circuit chahiye aur yahan pe force commutation circuit bhi required. Yahan pe force commutation circuit bhi required. Theek hai na? Aage badh jaye. Ab sir, how we can achieve this force commutation? So iske liye hamare paas bahut sare method hai. अब एक मेथड में से, इन्हीं बहुत सारे मेथड्स में से एक मेथड हम पकड़ते हैं और देखते हैं क्या ऐसे कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर हमने ये कहा या हम लोगों ने ये कहा यार कि हमारे पास एक सर्किट है, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स अगेन बेटा, इसको यहाँ ले आते हैं और यहाँ ले जाते हैं. मैंने ये कहा यार कि बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा कि दिस इज अवर रजिस्टिव लोड. ओके, जो हमने ये माना था बेटा, ये वाला देखो ऐसे, दिस इज वी नॉट आई नॉट, तो मैं वी नॉट ही लिख देता हूँ इसको भी. This is nothing but V naught. Okay, try to understand. So this is our load. Basically, load क्या है? Sir, load हम समझ गए आपकी बात को. Load is nothing but this resistive है. Okay? So ये load है. और बचे हुए element हमने क्या लगाए हुए हैं मास्टर जी? बचे हुए element सर जी हमने लगाए हुए हैं to turn off SCR. क्या लगाए हुए हैं? To turn off SCR. So see बेटा, अगर हम इस circuit में अपने SCR को इस instant पे off करना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा और फिर धीरे धीरे इस चीज को फील करते हैं. ठीक बेटा, वी आर हैविंग सम रेजिस्टिव सर्किट. ओके, फॉर एग्जांपल इट इज नथिंग बट स्टेप डाउन चॉपर विद प्योर रेजिस्टिव लोड. तो ये क्या बेटा? स्टेप डाउन चॉपर विद प्योर आर लोड. विद प्योर आर लोड, यू आर गेटिंग माई पॉइंट बेटा? विद प्योर आर लोड. ओके, एक सुंदरता देखिए एनालिसिस में. Now, my dear friend, we want to turn off our SCR at t equal to t on. But definitely, this circuit is free from natural commutation. So, we require some external circuit or any topology or any method to turn off this SCR. And for that purpose, beta, in the same circuit, we have connected two more elements, L and C. Aap kahenge, ruko master ji. Aap Ravi sir, aapki baat hum samajh rahe hain. But why you are not considering just L or just C? See, my dear friend, what will happen actually? Okay, if we are considering just L, that means R in series with L, so you know very well, my dear friend, inductor does not allow sudden change of current, and due to this reason, this SCR will almost be permanently on once you triggered it. Okay, ek bar jaise hi aap ise trigger kar doge, and if you are having only L element here, that means inductor, in that situation you will never achieve any commutation of the SCR. Now, what about, sir, capacitor? See, my dear friend, again, when we are having RC combination and L is absent, again, current will be exponentially decreasing, okay? And after 4 tau, you can say, tentatively, your current is zero. But this 4 tau is fixed according to the system, okay? My dear friend, we want to turn on and turn off our SCR according to our need or choices. And this choice or this need is not going to be successfully achieved by the combination of R and L or R and C. Now you can ask, sir, why L and C both are good to provide commutation for the SCR in this circuit? So this thing we will understand sometime later.
Okay, but that thing must be clear to everyone, my dear friend. We cannot use only RL combination. We cannot use only RC combination, because in that situation, commutation will not come. Either commutation will not appear, or commutation will not appear according to our need or choice. Okay, hopefully the things are clear. अभी इतने पॉइंट क्लियर हैं, हटा दें बेटा। तो अब मैंने ये कहा कि यार ये रेजिस्टिव लोड है और ये एलसी जोड़ा गया है, और इस एलसी का काम क्या है? टू प्रोवाइड कम्यूटेशन, टू प्रोवाइड कम्यूटेशन। तो देखो, हमने लोड के साथ ही बेटा एक एलसी एलिमेंट ले लिया इस तरीके से, एक एलसी एलिमेंट ले लिया बेटा इस तरीके से, और मैंने आपसे कहा यही अपना सर जी कम्यूटेशन क्या है सर, यही अपना कम्यूटेशन सर्किट है एक तरीके से। बट ये कम्यूटेशन सर्किट किसके साथ चला गया? लोड के साथ, इतना ध्यान रखना है। सो दिस इज नथिंग बट बेटा कम्यूटेशन सर्किट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज नथिंग बट कम्यूटेशन सर्किट, ये जो एलसी लगा हुआ है ना। अब ये आर यहां रहने दो, आर के साथ सीरीज में हमने एलसी लगा दिया। नाउ सी व्हाट विल हैपन इन दिस केस, अभी देखते हैं। दूसरा केस, आपने कहा कि सर यार ये तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती एक दूसरी, जैसे हमारे पास फिर से बेटा आर लोड है, बट दिस टाइम दिस आर लोड इज समवॉट हाई। ओके, दिस टाइम दिस आर लोड इज समवॉट हाई, सो व्हाट विल हैपन एक्चुअली इन दिस केस, सी बेटा एलसी अगेन प्रेजेंट एंड हाई वैल्यू ऑफ आर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सी, सो व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ दिस सर्किट व्हेन आर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सी, एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस सर्किट व्हेन आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर और सी। So see, this is the load which is connected in series with the commutation circuit, and here beta load is connected across the capacitor, and then this LC combination is nothing but again commutation circuit. So agar main aapse baat karu beta yahan pe thode se best way se, to main ye kahunga ki yaar this is the part beta will play the role for the commutation circuit, and this element R is nothing but our load. Okay, hopefully you are getting my point. सभी लोग यार एक बार सिद्धत से बताइए, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं अभी तक? एक बार यार शेयर और लाइक करते रहो। तो टाइप ए कम्यूटेशन वी आर डिस्कसिंग बेटा, इन टाइप ए कम्यूटेशन अगर हमारे पास कोई प्योर रजिस्टिव लोड है एंड वी वांट टू ट्रिगर दिस एससीआर, तो इजी जॉब है, जस्ट वी रिक्वायर गेट ट्रिगरिंग सर्किट। बट व्हाट वी हैव टू डू टू टर्न ऑफ एससीआर, उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, वी रिक्वायर सम फोर्स कम्यूटेशन सर्किट। और इसी चीज को समझने के लिए हमने सिर्फ एक काम किया बेटा, एक L और C के सीरीज कॉम्बिनेशन को R के साथ कनेक्ट किया, या L और C के इस टाइप के अरेंजमेंट को C के अक्रॉस में कनेक्ट कर, समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस इज कॉल्ड माय डियर फ्रेंड टाइप ए कम्यूटेशन, दिस इज कॉल्ड आल्सो टाइप ए कम्यूटेशन। ओके, तो इसको हम लिख देते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड टाइप ए कम्यूटेशन, ये सभी टाइप ए कम्यूटेशन है, टाइप ए कम्यूटेशन फॉर स्मॉल वैल्यू और स्मॉल और मॉडरेट वैल्यूज ऑफ आर। ओके, इतनी बात क्लियर है, दैट मींस लोड। और ये वाला जो सेकंड वाला है बेटा, वो भी टाइप ए सर्किट है, बस इतना फर्क है कि ये वाला जो है वो गुड रहेगा और बेटर रहेगा बेटा किसके लिए, फॉर लार्ज और हाई वैल्यू ऑफ आर। ओके, फॉर हाई वैल्यू ऑफ आर। नाउ टेल मी द थिंग्स आर क्लियर बेटा सभी लोग, ये दो सर्किट हो गए स्टैंडर्ड ऑफ टाइप ए कम्यूटेशन। अब गेट में इन्हीं सर्किट में से बेटा कोई एक आ सकता है, तो ये हो गया टाइप ए कम्यूटेशन फॉर स्मॉल आर, एंड दिस इज द टाइप ए कम्यूटेशन बेटा फॉर लार्ज आर। नाउ ठीक, अब बेटा इसमें हमने आर को हटा दिया, एंड व्हाई वी आर रिमूविंग दिस आर, वी विल सी सम टाइम लेटर। तो इसको उठा के अभी बगल में रख देते हैं, बाद में देखते हैं। ओके, हमने कट करके यहां रख, इतनी बात क्लियर है कि सर टाइप ए कम्यूटेशन में स्टैंडर्ड सर्किट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सर ओनली वी आर हैविंग टू स्टैंडर्ड सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, आइदर वी आर हैविंग आर एल एंड सी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और एल एंड सी और आर इन दिस पर्टिकुलर फैशन, सो सी एंड आर आर इन पैरेलल, एंड दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इन सीरीज विद दिस इंडक्टर, इन सीरीज विद दिस इंडक्टर। एक बार बताओ बेटा सभी लोग, ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर, या शेयर और लाइक करते रहो। सो दिस इज द टाइप ए कम्यूटेशन। अब मेरा क्वेश्चन अगला है बेटा, बहुत ध्यान सुनिएगा, सर ये टाइप ए कम्यूटेशन है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, कैन यू टेल मी बेटा आइदर सर्किट वन और सर्किट टू विल बी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम। एक बार सभी लोग बोलो, विल बी बेटा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम। एवरीवन टेल मी फास्ट, कौन कौन से सिस्टम होंगे बेटा?
तो अगर आप देखें, आप कहेंगे सर आरएलसी यहां भी है, आरएलसी यहां भी है, तो दोनों क्या हो गए, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सो बोथ सर्किट्स आर बेटा सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो यहां लिख दें हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम, क्या हो गया बेटा सेकंड ऑर्डर सिस्टम, और ये भी क्या हो गया बेटा सेकंड ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Now try to understand, yeah. If we are conceding R load here, then this particular system cannot be undamped. Okay, यानी कि sir second order system, अगर हम type A commutation के लिए analysis करना शुरू करें, तो ऐसे लिख देते हैं बेटा. Analysis of type A commutation, analysis of type A commutation, analysis of type A commutation. Okay. And definitely it is second order system. Second order system. अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे फिर से आ रहा है बालक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर से आ रहा है ये क्वेश्चन। यार सर सेकंड ऑर्डर सिस्टम में रिस्पॉन्सेस कितने टाइप के हो सकते हैं? सो मैं ऐसे बोल रहा हूं, ओके, रिस्पॉन्सेस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, रिस्पॉन्सेस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ओके, when it is excited by step voltage, तो अगर मैं आपसे बात करूं step voltage के respect में और सारी चीजों के respect में, तो हम ऐसे कह सकते हैं बेटा first one can be under damped, ध्यान दीजिएगा, first one can be under damped, okay, under damped response. Second one क्या हो सकता है बेटा? Sir second one can be undamped response. चेक करिएगा, अनडैम्ड रिस्पॉन्स। थर्ड वन हो सकता है सर क्रिटिकली डैम्ड रिस्पॉन्स। एंड बेटा लास्ट वन हो सकता है ओवर डैम्ड रिस्पॉन्स, क्या हो सकता है ओवर डैम्ड रिस्पॉन्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट बेटा? एवरीवन टेल मी फास्ट, इतने पॉइंट क्लियर हैं टू एवरीवन? सिंपल चल रहा है बेटा, एनालिसिस ऑफ टाइप ए कम्यूटेशन क्लियर है, analysis of type A commutation beta, second order system, response of second order system, we know that this thing we are from the basic mathematics or control system or network, bahut jagah se pata hai hame. To ye char categories ho gayi iski. Ab mera question ye hai ki aap jab is SCR ko off karna cha rahe hain beta, to aapko kis type ka response chahiye hoga, aapko kis type ka response chahiye hoga, aapki direction of current, बहुत ध्यान सुनना, आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट सिंगल हो या बाई डायरेक्शनल हो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो अगर करंट बेटा हमेशा के लिए एक ही डायरेक्शन में फ्लो हुई, तो ऑब्वियसली एसआर विल नॉट कम्यूटेट, सो हियर माय डियर फ्रेंड अवर ओवर डैम्ड एंड क्रिटिकली डैम्ड रिस्पॉन्सेस, आपको पता है बेटा, यस मैं सबको क्लियर है, अच्छा आप भी आ गए, तो चलो आपको भी ले लेते हैं साथ में। तो क्या है बेटा, बहुत ध्यान सुनिए, अगर हम क्रिटिकली डैम्ड और ओवर डैम्ड जब स्टेप एक्साइटेशन होता है, तो आपने देखा होगा करंट का रिस्पांस बेटा कुछ ऐसा आएगा रफली। नाउ सी इन दिस केस करंट डायरेक्शन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, और अगर करंट डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब एससीआर ऑफ नहीं होगा। सो बेटा क्रिटिकली और ओवर डैम्ड रिस्पांस ऑफ करंट कैन नॉट टर्न ऑफ आवर एससीआर। दूसरा पॉइंट बेटा बहुत ध्यान सुनिएगा, R is present, so system response cannot be undamped as well. Okay, so try to understand. Type A response की अगर हम बात करें, response will be or must be बेटा, must be under damped. मतलब सारी चीजें अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो आपका response of टाइप ए सिस्टम है वो गारंटेड क्या होना चाहिए, अंडर डैम्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, अंडर डैम्ड। अगर आपसे गेट एग्जामिनेशन में कोई बात करता है कि टाइप ए कम्यूटेशन, और समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड अनदर वर्ड, आई विल टेल यू समटाइम लेटर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, अगर कोई गेट एग्जामिनेशन में बात करता है कि टाइप ए सिस्टम में गारंटेड रिस्पॉन्स किस टाइप का होगा, देन ओनली वी आर हैविंग सिंगल चॉइस एंड दैट इज नथिंग बट बेटा अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स। क्योंकि ओवर डैम्ड और क्रिटिकली डैम्ड आपको कम्यूटेशन देंगे नहीं, और अनडैम्ड हो नहीं सकता बिकॉज आर इज नॉट इक्वल टू जीरो।
R is some non-zero value. और undamped कब होता है? When sir only L and C are present, R is zero. So try to understand these three responses will never be possible in the type A commutation. So only one response is possible, that is nothing but underdamped. अब आपने कहा सर underdamped response है, excitation ऐसा है, तो confirm Y of T आपको शायद याद हो from the control system will look like some K, some constant K, one जो नहीं लिखते थे but one minus something. So मैं लिख देता हूँ K minus something e to power zeta omega nt upon beta under root of 1 minus zeta square into sine omega dt plus theta. Okay, आपको ये remember है बेटा, where theta is nothing but बेटा cos inverse zeta, where theta is nothing but cos inverse zeta. So now we can see, my dear friend, this is the response of your current. So yt is nothing but, we can write in this case beta i of t. Try to understand. We are discussing beta these two standard circuit of type A commutation. एक बार फिर से एक deep breath लीजिए और चीजों को समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? Done बेटा, आगे बढ़े. तो ये दो सर्किट हो गए. Now analysis of type A हमने समझा और ये भी समझ लिया कि finally response जो है underdamped होगा और underdamped हुआ तो कुछ ऐसा होगा. इसको जरा draw करके देखते हैं और देखते हैं क्या होगा अपने केस में. देखो बेटा ऐसे देख लें तो एक तो अपने केस में रिस्पॉन्स जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, बहुत ध्यान से समझिए, अंडर डैम्ड इन दिस फैशन समथिंग लाइक दिस. नाउ सी माय डियर फ्रेंड, इफ यू इमेजिन दैट करेंट रिस्पॉन्स विल लुक लाइक समथिंग, सो सी हियर बेटा, एट दिस मोमेंट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द करेंट इज गोइंग टू बी निगेटिव. सो एट दिस इंस्टेंट यू आर हैविंग बेटा कम्यूटेशन ऑफ योर SCR. कम्यूटेशन ऑफ SCR यहां पड़ेगा. अब आपकी वो जो वैल्यूज हैं जो आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे, तो यहां से आप डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर दीजिए, वहां से आंसर निकाल लीजिए. ओके, सो दिस टाइम टी, व्हाटएवर आई वांट टू राइट एट दिस इंस्टेंट इज नथिंग बट टीसी और कम्यूटेशन टाइम. सो एट दिस इंस्टेंट अवर SCR विल बी टर्न ऑफ. ओके, इन दिस केस सभी लोग बताइए, इतनी बात क्लियर है बेटा टू एवरीवन. Yes, tell me fast. It is clear to everyone. ये है. Very nice. तो अब मैंने आपको ये समझाया बेटा अभी तक कि टाइप ए कम्यूटेशन जब हम बात करते हैं शुरू से एकदम स्टार्टिंग से करें कि सर बहुत सारे कम्यूटेशन होते हैं, उसमें से एक टाइप है, हमने मान लिया प्योर रजिस्टिव लोड है, डीसी एक्साइटेशन है, और जब हम SCR को ऑफ करना चाह रहे हैं तो गेट पल्स है, लेकिन ऑफ करने के लिए कुछ नहीं है, तो हमने इसी सर्किट को बेटा मॉडिफाई कर दिया इन दीज टू डिफरेंट टाइप ऑफ फैशन. सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं. Now point arising here, beta, how this L and C will turn off our main SCR, that thing we can achieve by beta responses of the system. So here we are having many types of responses of the second order system, but my dear friend, we have to consider only underdamped, as we discussed earlier also. Okay, so due to this underdamped, the current response will always look like something like this. So the current response will be we can say damped sinusoidally or oscillatory function. Now see, at this instant t equal to some tc, our current is going to be in negative, and due to this reason our SCR will be turn off. अभी बताइए क्लियर है? यार शेयर और लाइक करो, थोड़ा कमेंट करो, इतनी बड़ी चीजें बता दे रहे हैं आपको, आप थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट करना सीखो यार, चीजों को समझना सीखो. मैं मान सकता हूँ कि आपको पहले से नहीं आता होगा, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट है जो बेटा, मैं तो यहाँ पे ये कह रहा हूँ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है, जो मैकेनिकल भी हो उसको भी समझ में आ जाएगा. बेसिक चीजें चल रही हैं, ये बेसिक गणित है, बेसिक चीजें, बेसिक सर्किट थ्योरी है, हो गया. तो यानी कि जहां भी आप इस टाइप का कुछ करोगे, यहाँ पे आपको नेचुरल कम्यूटेशन मिलेगा. अब ये फ्रीक्वेंसी आप डिटरमाइन कर लो, ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और वहां से फाइनल आंसर दे सकते हो, ठीक है? लेकिन अब बेटा आप यहां तक तो कर लोगे, लेकिन गेट में क्या होता है कि कभी कभी वो आर को हटा देते हैं. क्यों हटा देते हैं? सो दैट वी कैन actually understand how our SCR is going to be turned off. ये वो जानना चाहते हैं. तो इसको जानने के लिए अब हम करते हैं बेटा type A commutation understanding without R. बहुत ध्यान से सुनिएगा. Type A commutation understanding without R. Okay? इसको लिख देते हैं हम लोग बेटा. Type A commutation understanding of time a cup, ऐसे लिख देते बेटा, understanding of type a commutation,
understanding the analysis of type A commutation without R. R को हटा ही दिया ताकि हम थोड़ा सही से समझ लें, विदाउट आर, ओके। और यहां से गेट में क्वेश्चन आने शुरू होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती, तो जनरली वो लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन दे कैन आस्क, यहां से क्वेश्चन दे कैन आस्क बेटा, ओके। इतनी बात भी क्लियर है टू एवरीवन, सभी लोग बोलते रहिए। हाँ जी बेटा, एक बार यार शेयर करो, तो मैं डिटेल में जाऊं वरना पहले एक बार सभी लोग शेयर और लाइक करिए यार, एक बार सभी लोग बेटा शेयर और लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं बेटा स्टैंडर्ड टाइप ए कम्यूटेशन सर्किट की विदाउट आर, विदाउट आर। तो हम ये मान लें कि लेट अस अज्यूम एससीआर वी वांट टू ट्रिगर एट टी इक्वल टू जीरो। तो पहला पॉइंट लिखते हैं बेटा,
पहला पॉइंट लिखते हैं, लेट एससीआर इज ट्रिगर्ड, लेट एससीआर इज ट्रिगर्ड एट t इक्वल टू जीरो, और वी कैन राइट बेटा ओमेगा t इक्वल टू जीरो. ओके, तो इफ एससीआर ट्रिगर्ड बेटा, दैट मींस एससीआर इज ऑन. बहुत ध्यान से सुनिए, कितनी सारी बातें हम लोग करके निकले आगे, है ना. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, इफ एससीआर इज ट्रिगर्ड सो एससीआर इज ऑन. सो बेटा एससीआर ऑन, तो एससीआर ऑन एंड दिस इज आइडियल एससीआर, सो आइडियल एससीआर विल, तो बेटा हम ऐसे कह सकते हैं, सो आइडियल एससीआर ऑन, आइडियल है ये, है ना. और आइडियल है तो बेटा आपको एक बात पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि नाउ इट विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट. और अगर इस कहानी को हम आगे बढ़ाएं तो यहां पे ले आते हैं बेटा, नाउ वी कैन रिमूव दिस पर्टिकुलर एससीआर. अब आपको याद हो प्रीवियस सेशन में हम लोग कुछ डिस्कशन किए थे, याद है कि जब भी यार हमारे पास ऐसा कुछ होता है सिस्टम जिसमें बेटा एलसी एलिमेंट हो एंड वी आर हैविंग सम एक्साइटेशन डीसी, देन व्हाट वी कैन डू. अब ये मुझे आप बताओ बेटा, इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल बी द रिस्पांस ऑफ करंट. तो यहां पे लिख देते हैं एनालिसिस ऑफ रिस्पांसेस, एनालिसिस ऑफ रिस्पांसेस, एनालिसिस ऑफ रिस्पांसेस. रिस्पांसेस का मतलब बेटा क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है बेटा आई नॉट टी, वी एल टी एंड वी सी टी. सो टास्क इज नथिंग बट टू डिटरमाइन, ये ध्यान रखना बेटा, दिस इज एस सी आर यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, सो दिस करंट इज नथिंग बट थायरिस्टर करंट. ओके, नाउ सो टास्क आर नथिंग बट बेटा, अगर हम टास्क की बात करें तो टास्क में मैं लिख देता हूं, टास्क में हम लोग लिख देते हैं, टास्क इज नथिंग बट टू डिटरमाइन बेटा आई नॉट टी कॉमा वी एल टी कॉमा वी एल टी एंड वी सी टी एंड वी सी टी. अब यार एक पॉइंट पॉइंट देखो यहां पे सभी लोग, यार ये जो बेटा है सर्किट, ये तो टाइप ए कम्यूटेशन का है, समझ गए ना, टाइप ए कम्यूटेशन है. अब मैं आगे बात करूं तो यार आप भूल जाइए बेटा एससीआर वगैरह सबको भूल जाइए, मैं सिंपल कर रहा हूं, दिस इज द डीसी सर्किट, दिस इज द डीसी सर्किट, सो डीसी एक्साइटेशन इज देयर, नाउ एलसी लोड, सो दिस सिस्टम विल बी गारंटेड अनडैम्ड बिकॉज वी हैव रिमूव आर. सो इसका मतलब यहां पे हम लिख दें बेटा, इट इज सेकंड ऑर्डर अनडैम्ड सिस्टम, इसमें कोई गलती तो नहीं होगी, सेकंड ऑर्डर अनडैम्ड सिस्टम. और सेकंड ऑर्डर अनडैम्ड सिस्टम है तो गारंटेड बेटा आपको पता है कि रिस्पांस ऑफ करंट और वोल्टेज क्या होने वाले हैं. रिस्पांस ऑफ करंट एंड वोल्टेज विल बी, यू नो वेरी वेल, साइन और कोसाइन फंक्शन, क्योंकि अनडैम्ड है. ओके, सो इसका मतलब सर I नॉट T VLT और VCT ऑल फंक्शन विल बी साइन और कोसाइन. नाउ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द पार्ट 1, सो वी कैन राइट बेटा फॉर दिस सर्किट, याद करो कौन सा सर्किट हुआ, सर्किट 1. ओके, सो फ्रॉम प्रीवियस एनालिसिस आई वांट टू राइट, okay, so the current in time domain, the current I naught t in time domain will be, in time domain will be, क्या होनी चाहिए बेटा, in time domain will be, okay, so in time domain will be this current, we can write from the previous discussion I naught t equal to Vs under root c by l sin omega naught t, where omega naught is equal to 1 by under root of lc रेडियन पर सेकेंड. याद आया कुछ, तो ये हो गया बेटा करंट का रिस्पांस, दिस इज द आई नॉट टी रिस्पांस. ओके, दिस इज द आई नॉट टी रिस्पांस. एक बार सभी लोग बताइए, अभी तक पॉइंट क्लियर है, आई नॉट टी ये है, तो बेटा इंडक्टर वोल्टेज क्या होगा. आपने कहा सर याद है इंडक्टर वोल्टेज वी एल टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी एंड कैपेसिटर वोल्टेज, कैपेसिटर वोल्टेज इज नथिंग सर वी एस माइनस वी एल टी. तो अगर हम लोग अगला पॉइंट लिखें तो बेटा वी एल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एल टी इक्वल टू एल di not by dt because series circuit to all current are equal and this voltage will come beta vs cos omega not t where omega not is still 1 by root lc and vct agar aapko yaad ho to hum log discuss kiye the beta vs in bracket 1 minus cos omega not t. now beta these three equation really will guide us, okay, about the commutation of scr, first second and third. so these three equation will guide us about the commutation instant of the SCR. okay, so please mind it, as we know that, as we know, okay, SCR is unidirectional device, is unidirectional device, SCR is unidirectional device, okay, and it can sustain, and it can sustain or block kar dete beta, it can block, okay, either polarity of voltage, either polarity of voltage, either polarity of voltage,
वी विल सी दिस थिंग, है ना. लेकिन एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स बेटा इन द प्रीवियस सेशन, वट एवर एस सी आर वी यूज इन द डीसी टू डीसी कन्वर्टर, दोज एस सी आर विल नॉट हैव गुड वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी इन द निगेटिव रीजन. ओके, इन द निगेटिव रीजन. इतनी बात भी क्लियर है, हटा दे बेटा. अब ये जो करेंट और वोल्टेज इक्वेशन आए हैं, इनकी हेल्प से हमको समझते हैं. ओके, तो नाउ बेटा हियर सी, अपने पास कुछ पॉइंट्स आ गए यहाँ पे. इन पॉइंट्स को जरा कैच करिएगा, अपने पास कुछ पॉइंट आ गए यहाँ पे, और इनसे हम ऐसे कर देते हैं बेटा, 80 मिनट देखो ऐसे. तो अब अपने पास कुछ पॉइंट्स आ गए और इनको जरा कैरी करते हैं. जैसे व्हाट इज द सप्लाई वोल्टेज बेटा, आपने कहा सर सप्लाई वोल्टेज वी नो इज नथिंग बट प्योर डीसी. सप्लाई वोल्टेज बेटा वी नो इज नथिंग बट प्योर डीसी. सप्लाई वोल्टेज इज नथिंग बट बेटा प्योर डीसी. तो एक सप्लाई वोल्टेज हमने पहले शो किया, एंड दिस इज बेटा सप्लाई वोल्टेज इज प्योर डीसी. तो दिस इज सप्लाई वोल्टेज प्योर डीसी. ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बेटा एक करंट उठाई, और करंट क्या निकाली थी याद है आपको, I not t, I not is pure sinusoidal. So ध्यान समझना बेटा, I not t is pure sinusoidal in this type A commutation. So type A commutation circuit को हम यहाँ रखें. So in this type A commutation, the current is this I not t or ITT is बेटा sinusoidal. तो इस sinusoidal को हमने यहाँ draw कर लिया. This is my dear friend. Either we can write I not t or we can write बेटा thyristor current. What is the peak value यार? Is nothing but Vs under root C by L ampere. Vs under root C by L ampere. इतनी बात भी क्लियर है बेटा to everyone. आगे बढ़ते हैं. ना बेटा यहाँ पे देखो ओमेगा नॉट टी हम रेफरेंस ले लें. ओमेगा नॉट टी को हम रेफरेंस ले लेते हैं क्योंकि करेंट इक्वेशन जो हमने निकाली थी, मैं फिर से लिख देता हूँ. तो करेंट इक्वेशन क्या निकाली थी बेटा, Vs under root C by L sin omega not t. Try to understand. और बेटा हम लोगों ने VLT निकाला था VS cos omega not t. और बेटा VCT हमने निकाला था VS 1 minus cos omega not t. याद आए ये तीनों इक्वेशन. अब बेटा हमने करंट को यहाँ प्लॉट कर दिया, लेकिन हमें ये पता है कि यार ये तो SCR बेटा, and SCR will allow current in only one direction. So 0 to pi, this current is positive. So I just want to write बेटा 0 here, pi here. The analysis without R will tell us or will guide us बेटा actual, please mind it, actual theme behind the type A commutation. अगर हम R को जोड़ लें तो अपनी जो पुरानी stories होंगी वो होंगी जैसे हम लोगों ने discuss किया था. In that case, response will be underdamped और वहां से current निकाल के हम find out कर सकते हैं कि at what moment SCR will commutate it. अब यहां पे आ गए बेटा, so 0 से pi and so on. Try to understand. अब 0 से पाई तक तो सर करंट पॉजिटिव है, लेकिन पाई से 2 पाई तक तो करंट नेगेटिव है. तो क्या हम ये नहीं लिख सकते बेटा कि इन द रेंज ऑफ पाई टू 2 पाई गारंटेड आवर एससीआर विल बी ऑफ. आई रिपीट, गारंटेड आवर एससीआर विल बी ऑफ. एंड इफ दिस एससीआर इज ऑफ, सो नो करंट विल पास थ्रू द एससीआर. एंड ड्यू टू दिस रीजन व्हाट वी कैन से माय डियर फ्रेंड, दिस पर्टिकुलर करंट विल नॉट अपीयर इनटू पिक्चर. This particular current will not appear into picture. So please mind it, my dear friend. In the range of beta G 0 to pi, our current will have sinusoidal nature. And in the range of pi to 2 pi, Bhagwan bhi current pass nahi kar sakte. So this current will be 0. And somewhere here, beta, guaranteed SCR is going to be off. So ab agla instant hum yahan pe liye. कि सर इस जगह एससीआर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा. फ्यूचर में कहां ऑन होगा हमें नहीं आइडिया, बट कंफर्म यहां ऑफ होगा ये हम कह सकते हैं. ओके, तो इसको बेटा हमने कर दिया, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड, इसको हमने कर दिया बेटा डॉटेड वन, और यहां पे लिख दिया कि यहां भैया गारंटेड एससीआर क्या होगा, ऑफ होगा. यहां गारंटेड एससीआर ऑफ होगा. अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं. नाउ व्हाट इज द इंडक्टर वोल्टेज बेटा, कैन यू हेल्प मी. इंडक्टर वोल्टेज आप कहोगे सर इंडक्टर वोल्टेज इज नथिंग बट दिस वन Vs cos omega t. सो Vs cos omega t विल लुक लाइक दिस वन बेटा. तो एक pi by 2 का हम इंस्टेंट और बना लेते हैं, एक pi by 2 का इंस्टेंट भी बना लेगा. नाउ बेटा दिस वोल्टेज विल बी Vs cos omega t, समथिंग लाइक दिस. दिस वोल्टेज बेटा विल बी Vs cos omega t. तो Vs cos omega t will look like something. Okay, और ये हो गया बेटा इंडक्टर वोल्टेज Vs, एंड Vs इज नथिंग बट सप्लाई वोल्टेज. तो Vs, एंड हियर बेटा वी वांट टू राइट दिस इज आवर इंडक्टर वोल्टेज VLT.
inductor voltage VLT. Now see beta yaar, in the range of 0 to pi by 2, this inductor voltage is positive. But in the range of pi by 2 to pi, this inductor voltage is negative. तो इस स्टोरी को हम समझते हैं, ओके? तो एक पॉइंट यहाँ पे लिखे बेटा, फाइनली इन करेंट्स को हम साइड में रख देते हैं। अभी बताइए, सारे पॉइंट्स अभी तक क्लियर हैं टू एवरीवन? एवरीवन बेटा, सर कांट हियर यू, हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा क्या? बेटा आवाज तो आ रही है टाइगर? हाँ, अभी देखो बेटा आवाज तो आ ही रही है मेरे हिसाब से। तो अभी देखो, और कहीं कोई डाउट हो यू कैन आस्क मेनी टाइम्स, ओके? सो ये तो बेटा टाइप एक कम्यूटेशन हो गया, बट सी प्रॉपरली यार, विदाउट आर, विद आर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ अब यहाँ पे आ गए, अब मैं आपसे सिंपल ये पूछना चाह रहा हूँ, इन द रेंज ऑफ जीरो टू पाई करेंट इज पॉजिटिव, सो SCR इज ऑन, ऐसे लिखते हैं बेटा। सो नाउ एनालिसिस ऐसे लिखते हैं, एनालिसिस ऐसे लिखते हैं बेटा, इन द रेंज ऑफ, इन द रेंज ऑफ बेटा 0 टू पाई SCR is गारंटेड ऑन। क्या होगा बेटा? गारंटेड ऑन, दैट मींस कंडक्ट। व्हाई? बिकॉज़ बेटा, बिकॉज़ आई नॉट टी इज इक्वल टू आई ऑफ टी, थायरिस्टर करंट इज ग्रेटर देन 0, सो SCR विल कंडक्ट, सो SCR विल कंडक्ट। अभी बताओ बालक, क्लियर है सारे पॉइंट? सो SCR विल कंडक्ट। अब हम दूसरा पॉइंट समझना चाह रहे हैं बेटा, इनिशियली इंडक्टर और कैपेसिटर क्या हो रहे होंगे? अगर हम बात ही नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली विल बी अनचार्ज। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट पे चलें, सो इनिशियली बेटा अवर इंडक्टर एंड कैपेसिटर विल बी अनचार्ज, जब हम रिस्पॉन्सेज की बात किए थे यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम बात करें और यहाँ पे इक्वेशन लिखें, तो यहाँ साइड से लिख देते हैं बेटा, हियर IL 0 माइनस इज इक्वल टू बेटा 0 एम्पियर, एंड VC 0 माइनस विल ऑल्सो बी 0 वोल्ट। सो इसका मतलब बेटा इंडक्टर एंड कैपेसिटर क्या है? इनिशियली अनचार्ज्ड है। इंडक्टर एंड कैपेसिटर क्या है? इनिशियली अनचार्ज्ड है। इसके बाद बेटा जब हम इस केस पे आए, तो देखिए हम लोग देखें, तो बेटा जैसे ही SCR ऑन होगा, इंडक्टर एंड कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, तो दोनों क्या होना शुरू करेंगे? चार्ज होना शुरू करेंगे। एंड नाउ दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ करेंट। बेटा अगर हम देखें तो आई नॉट टी या आई टी इज ऑल्सो इक्वल टू इंडक्टर करेंट, is also equal to बेटा capacitor current, दोनों बातें सही हैं। So बेटा I not T या फिर हम बात करें I T या फिर हम बात करें बेटा I L T या हम बात करें capacitor current, all currents will be equal, तो ये लिख दिया हमने। अब मेरा question ये है बेटा कि analysis of inductor पहले करते हैं in the same period, so 0 to pi है ना, इसी में करते हैं। तो बेटा next लिखते हैं, in the range of, बहुत ध्यान से समझना बेटा, in the range of, इन द रेंज ऑफ 0 टू पाई बाई 2, एक बार मुझे सभी लोग बताइए बेटा इंडक्टर क्या होगा, चार्ज और डिस्चार्ज। इफ द इंडक्टर करेंट रिस्पॉन्स इज दिस वन, इफ द इंडक्टर करेंट रिस्पॉन्स इज दिस वन, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। देखो बेटा 0 से लेके पाई बाई 2 तक इंडक्टर क्या होगा? करेंट इज गोइंग टू बी राइज, एंड एट बेटा ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 2 समवेयर हियर, इंडक्टर विल हैव मैक्सिमम करेंट। So in this range 0 to pi by 2, inductor current is going to be increased, and due to this reason inductor will only charge. And what about here beta? Inductor is going to be discharged. Inductor is going to be discharged. Now see, same thing we can define by inductor voltage as well. 0 to pi by 2, inductor voltage positive, current positive, so inductor will charge. And pi by 2 to pi, inductor voltage negative, and inductor current slope is negative, so inductor will discharge. So what will happen for the inductor beta? In the range of 0 to pi by 2, okay, our inductor will look like something. Dekho, aise dekhega. Inductor jab energy receive karega, to usme current flow hogi beta positive se negative. Aur yahan mein dikh bhi raha hai ki jo dIL by dt hai, wo positive hai, wo positive hai. And aur ye bhi keh sakte hai, and beta, at omega t equal to pi by 2, inductor will store maximum energy. ये बात भी क्लियर है, मैक्सिमम एनर्जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतनी बात भी क्लियर है टू एवरीवन? बोलते रहो यार सभी लोग, हल्का हल्का सा। इन द रेंज ऑफ बेटा 0 टू पाई बाई 2, अवर इंडक्टर इज गोइंग टू बी चार्ज। अब मेरा क्वेश्चन दूसरा ये है बेटा, आफ्टर पाई बाय टू व्हाट विल हैपन अबाउट इंडक्टर वोल्टेज? सर इंडक्टर वोल्टेज इज नेगेटिव,
अब आते हैं कैपेसिटर वोल्टेज पे, तो अगला पॉइंट यहां पे लिखते हैं कैपेसिटर वोल्टेज। और कैपेसिटर वोल्टेज हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं बेटा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। कैपेसिटर वोल्टेज क्या है सर? कैपेसिटर वोल्टेज इज नथिंग बट Vs इन ब्रैकेट 1 माइनस cos ओमेगा t, ये लिखा है Vs 1 माइनस cos ओमेगा t। देखो बेटा ओमेगा t इक्वल टू 0 रखो तो cos 0 इज 1, सो 1 माइनस 1 इज 0, यानी कि 0 से शुरू हुआ बेटा, तो हमने 0 लिख दिया। नाउ बेटा अगर हम ओमेगा नॉट t पाई बाय 2 रखें तो cos पाई बाय 2 इज 0, तो वैल्यू क्या हो गई Vs, यानी कि सर पाई बाय 2 पे ये वैल्यू किसके बराबर मिलेगी सर? ये वैल्यू Vs के बराबर मिलेगी, और पाई पे cos पाई इज माइनस 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 ऐड हुआ तो 2Vs, तो यहां बेटा मिला 2Vs। बहुत ध्यान से सीरियस होकर सीखेगा। सो दिस वोल्टेज बेटा विल लुक लाइक दिस वन, सो दिस वोल्टेज बेटा विल लुक लाइक दिस वन, इट इज नथिंग बट शिफ्टेड अनडैम्प्ड रिस्पांस। ओके सो नाउ सी हियर बेटा जी, सो सी हियर व्हाट वी कैन राइट, बहुत ध्यान से एक पॉइंट कैच करना यार सर। अगर हम यहां पे देखें तो अवर कैपेसिटर वोल्टेज इज हायर देन सप्लाई वोल्टेज आफ्टर पाई बाय 2, देखो यहां पे 0 पाई बाय 2 एंड दिस इज बेटा पाई, एंड दिस वोल्टेज इज नथिंग बट अवर कैपेसिटर वोल्टेज बेटा VCT, ये वैल्यू किसके बराबर है सर? दिस वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2 ऑफ Vs मैक्सिमम वोल्टेज, और यहां पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या होगी सर? दिस इज नथिंग बट Vs। अभी इतनी बात क्लियर हो रही है? दिस वैल्यू इज नथिंग बट बेटा Vs, सभी लोग बोलते रहो दिस वैल्यू इज नथिंग बट बेटा Vs। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखो आफ्टर पाई बाय 2 बेटा कैपेसिटर वोल्टेज इज हायर देन Vs बट स्टिल अवर SCR विल नॉट टर्न ऑफ, रीजन इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड ऑलरेडी इंडक्टर इज चार्ज, सो व्हाट विल हैपन एक्चुअली द इंस्टेंट आफ्टर पाई बाय 2 इंडक्टर विल चेंज इट्स ओन वोल्टेज पोलैरिटी फॉर द मेंटेन ऑफ SCR कंडक्शन बिकॉज इंडक्टर डज नॉट अलाउ सर्टेन चेंज ऑफ करेंट। तो यही कहानी बेटा यहां जन्म लेगी। ओके तो इसका मतलब अगर हम यहां पे कहें so in the next case beta in the range of pi by 2 to pi, okay what will happen at omega t equals to pi by 2 plus inductor will change its own voltage polarity। आपको पता है एक NPTEL ने सेशन बनाया है, शायद मैंने जस्ट देखा है, मुझे मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या है एग्जैक्टली, बट आप उसको देखिएगा, मैं लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पिन करूंगा। और साथ में ये है कि स्टूडेंट आपके बारे में बोला गया है, एग्जैक्ट क्या है मैं नाम भूल रहा हूँ टाइटल का, बट उसका कॉन्क्लूजन यही था कि स्टूडेंट रियली दे डोंट रिक्वायर सीरियस फैकल्टी और गुड फैकल्टी, और बेटा वी कैन से स्ट्रॉन्ग कंटेंट वाइज स्ट्रॉन्ग फैकल्टी, दे रिक्वायर जोकर्स, उसका मीनिंग यही निकल के आ रहा है कि स्टूडेंट रिक्वायर जस्ट जोकर टाइप ऑफ फैकल्टी, कि वो डांस करें नाचें और कंटेंट से बिल्कुल दूर कर दें आपको, यही चल रहा है। ओके अगर आपको वाकई में एग्जाम क्वालिफाइड करना है, और मैं ये चाहता हूं कि NPTEL ऐसा करे जगाने की कोशिश करे, खासतौर से आप लोगों को जो सोए हुए हो, आप लोग पता ही नहीं किस दुनिया में रहते हो और क्या अपने आप से अचीव करवाना चाहते हो, मुझे नहीं पता यार। जब चीजें हम समझते हैं फील करते हैं तभी तो हमसे क्वेश्चन होंगे, आप क्यों बोलते हो कि हम भूल जाते हैं? मैं तो कभी नहीं भूलता हूं यार, इन जनरल अगर सही से पढ़ा हो तो कुछ ना कुछ तो याद रहेगा। आप क्यों कहते हो सर सब स्किप हो गया नहीं पता? क्योंकि बेटा हमने पढ़ा ही नहीं था कभी, हमने 2-4 फॉर्मूले देखे थे, ऐसे हल्का फुल्का सुन लिया था, हमने कभी उस पर मेहनत नहीं की थी। और जो मेहनत करते हैं वो कहां भूलते हैं? आप ABCD भूले कभी? क्यों नहीं भूले? क्योंकि जब आप छोटे थे आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई था, आप इधर उधर की बातों से इन जनरल परेशान नहीं होते थे। ओके और लगन से काम करते थे। ओके तो एक शिद्दत से आपने अपनी मदर टंग सीखी, एक शिद्दत से आपने ABCD या कैलकुलेशन सीखी, वो आप कभी नहीं भूले। लेकिन जैसे ही आप 9th 10th में आप गए, यानी कि थोड़ा खून गर्म हुआ, उसी जगह आपकी कंसंट्रेशन क्षमता वीक हो गई, आप दुनिया को समझ नहीं रहे थे, पर समझने के ढोंग ने आपको कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया। ओके अगर आप दुनिया को और रियलिटी को समझते तो कहीं ना कहीं हम ये एनालिसिस कर सकते हैं यार, कि अगर आप ऐसी पास्ट उठा के देखो, ओके बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े ये चीजें प्लेयर विलियर सब इंडिया से आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत, लेकिन साइंटिस्ट मिलने में थोड़ा अभाव होता है, गिने चुने नाम होंगे। ओके कोई भी आज आप बताइए, आप पूरा 10th पढ़ लिए, 12th पढ़ लिए, बीटेक कर लिए, 8 साल में इस ड्यूरेशन में कितने आपने इंडियन जो एक तरीके से साइंटिस्ट है उनके नाम पे लॉ पढ़े हों,
ओके, दो चार को छोड़ के, हार्डली एक दो को छोड़ के, दो चार भी नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि हम बेटा सीखना ही नहीं चाह रहे। हम एक ऐसी स्टडी करना चाहते हैं जो बहुत इंजॉयफुल हो। अगर इंजॉयफुल ही होता तो फिर बीटेक नहीं होता ना यार। ओके, ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट आपको दिखते हैं बाल रखाए हुए, बड़े बड़े, चेहरा डल हो जाता है, ये ऐसे ही नहीं होता है। ये जो खासतौर से अपनी इंजीनियरिंग फील्ड है, ये पूजा है बेटा, इसमें शिद्दत चाहिए होगी आपकी। ओके, तभी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। सो खैर, एनपीटीएल ने ये बहुत अच्छा काम किया है। सो एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई टू प्लस इंडक्टर विल चार्ज बेटा एंड विल चेंज सॉरी इंडक्टर विल चेंज इट्स ओन वोल्टेज पोलैरिटी एंड ड्यू टू दिस रीजन व्हाट विल हैपन एक्चुअली बेटा, सो इन द रेंज ऑफ पाई बाई टू टू पाई सी प्रॉपरली, सो इन दिस रेंज बेटा इंडक्टर विल बिहेव एज ए सोर्स, सो इंडक्टर वोल्टेज पोलैरिटी इज स्टिल चेंज माइनस प्लस समथिंग एंड करेंट इज स्टिल बेटा इन द सेम डायरेक्शन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से DIL by DT is less than zero. So inductor will behave as a source. So inductor will behave as a source. अभी बताओ बेटा, सारे points clear हैं? Inductor will behave as a source. ठीक है? तो हमने दो बातें समझ ली कि सर जीरो से लेके पाई बाय टू तक इंडक्टर चार्ज होगा एंड पाई बाय टू से लेके पाई तक इंडक्टर चार्ज होगा। नाउ व्हाट अबाउट कैपेसिटर करंट यार, जीरो से पाई इन द एंटायर रीजन कैपेसिटर करंट इज पॉजिटिव, और जब कैपेसिटर की करंट डायरेक्शन ही चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब वो सिर्फ चार्ज होगा। तो अगले पॉइंट पे लिखते थे बेटा यहाँ पे अबाउट कैपेसिटर। ओके, अगला पॉइंट लिखते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट, इन द रेंज ऑफ जीरो टू पाई अबाउट कैपेसिटर बेटा आई सी इज ओनली ग्रेटर देन जीरो, तो कैपेसिटर विल ओनली चार्ज, तो कैपेसिटर विल ओनली चार्ज। यू आर गेटिंग पॉइंट पे पॉइंट, कैपेसिटर विल ओनली चार्ज। इफ कैपेसिटर ओनली चार्ज देन बेटा डीवीसीटी बाय डीटी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना बेटा। अब हम समझते हैं कौन किसको चार्ज कौन किसको डिस्चार्ज कर रहा है। तो और केस देखते हैं पावर फ्लो और एनर्जी फ्लो के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं आपसे ये कहूं नेक्स्ट केस एक लिख देते हैं बेटा, केस ए अपना नया बना के, और मैं लिखूं बेटा जीरो से पाई बाई टू की रेंज में क्या हो रहा होगा। तो जरा सिस्टम को लेते हैं ना, अलग अलग तरीके से जरा सिस्टम को लेते हैं, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन रखता हूं यहां पे, बहुत छोटे छोटे केसेस बना लेते हैं। जैसे बेटा एक केस ये है, इन द रेंज ऑफ जीरो टू पाई बाई टू आपको पता है इंडक्टर इज गोइंग टू बी चार्ज, तो देखो इंडक्टर चार्ज हो रहा है, सो लाइक दिस, सो इंडक्टर विल रिसीव एनर्जी, और कैपेसिटर भी तो चार्ज हो रहा है बेटा, कैपेसिटर विल रिसीव एनर्जी एंड सप्लाई विल डिलीवर पावर, तो ये पावर डिलीवर करेगा, ये पावर एब्सॉर्ब करेगा, और ये भी पावर एब्सॉर्ब करेगा, सो ओनली सप्लाई इज डिलीवरिंग पावर एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर एब्सॉर्बिंग पावर, ठीक है। सेकेंड केस में आते हैं, सेकेंड केस बी अगर मैं यहाँ पे लिखूं बेटा, केस बी इज नथिंग बट इन द रेंज ऑफ पाई बाई टू टू पाई व्हाट विल हैपन, सी हियर यार, अगर इस बार इस सर्किट को हम देखने की कोशिश करें, सो वी कैन इजिली इमेजिन माय डियर फ्रेंड व्हाट द इंडक्टर बेटा विल चेंज इट्स ओन वोल्टेज पोलैरिटी, तो इंडक्टर ने अपनी ही वोल्टेज पोलैरिटी चेंज कर ली, अभी डिस्कस किया था। सो नाउ सी बेटा, करंट इन इंडक्टर इज फ्लोइंग नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो इंडक्टर विल डिलीवर पावर, सप्लाई विल आल्सो डिलीवर पावर बिकॉज स्टिल करंट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड कैपेसिटर विल एब्सॉर्ब पावर। So in this situation, my dear friend, two elements will deliver power to the capacitor. And due to this reason, capacitor is going to be charged, beta, more than the supply voltage. More than the supply voltage. Hopefully this thing is clear. So what we can write with respect to power, beta? So here, power of supply is equal to power of inductor plus power of capacitor. And here, beta, power of supply plus, beta, power of inductor is equal to power of capacitor. Roughly, we can say. इतनी बात भी क्लियर है, बोलते रहे बेटा। सो दिस इज द पॉइंट। अब यार इतना हम समझ गए, तो इतना समझने के बाद जब हम यहाँ पे पहुंचे और अब देखे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे एट पाई दिस थिंग इज हैपनिंग, आफ्टर पाई व्हाट विल हैपन इन द रेंज ऑफ पाई टू टू पाई बेटा, यू नो वेरी वेल योर इंडक्टर इज फुली अनचार्ज एंड योर कैपेसिटर इज फुली चार्ज बाय 2Vs वोल्टेज। ओके, सो जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड, इसको हटा दे, नाउ डन, ट्राई टू अंडरस्टैंड आफ्टर पाई व्हाट विल हैपन। So after pi अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लिख सकते हैं therefore after pi, okay? यहाँ पे लिखें अगले पेज पे बेटा, therefore after pi, therefore when बेटा omega t is greater than equal to pi plus, see inductor is fully discharged, inductor is fully discharged बेटा, fully discharged, okay? And SCR off, and SCR off, ये भी हो गया। Now our circuit will look like this one. देखो, ये SCR क्या हो गया बेटा? Off हो गया। बहुत ध्यान से catch करना। This SCR is going to be off. In this case बेटा, SCR off. और inductor क्या हो गया? Fully discharged.
एंड कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज आ गया बेटा, बी सॉरी 2 Vs। तो कैपेसिटर वोल्टेज इज नथिंग बट बेटा 2 Vs, इसको भी यहां लिखते हैं। तो कैपेसिटर वोल्टेज इज नथिंग बट 2 Vs, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके जरा समझिएगा बेटा, ये हो गया Vt। नाउ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यार कितना वोल्टेज आया, Vs, और यहां से कितना गया बेटा 2 Vs, बिकॉज इंडक्टर इज फुली अनचार्ज, सो दिस VL बेटा विल बी 0 वोल्ट। एग्री ना? नाउ 2 Vs एंड Vs, सो Vt इज नथिंग बट बेटा माइनस Vs। Now see, in this case, after omega t, when omega t is greater than pi, something, this SCR voltage is negative. So due to this reason, SCR will be commutated. And another important thing or beauty is that, beta, now this cathode voltage is 2 Vs, anode voltage is Vs. So now SCR will not come into conduction until or unless your capacitor is not going to be discharged lower than the supply voltage Vs. Only then you can trigger. Only then you can trigger. इतनी बात भी क्लियर है? तो अगर हम यहां से देखें तो बेटा सिंपल बोल सकते हैं कि आफ्टर दिस एससीआर विल बी ऑफ एंड नाउ दिस एससीआर विल नॉट कंडक्ट इन फ्यूचर अंटिल और अनलेस आप इस कैपेसिटर वोल्टेज को वीएस से क्या ना कर दे, कम ना कर दे, ओनली देन यू कैन ट्रिगर, ओनली देन यू कैन ट्रिगर। ये पॉइंट हुआ। तो अगर इस बेस पे हम लोग देखें तो बेटा वेवफॉर्म कैसी बनेगी, जरा यहां पे आओ फिर से। तो वेवफॉर्म कुछ ऐसी बनेगी, वेवफॉर्म बेटा कुछ ऐसी बनेंगे, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख दे। तो नाउ बेटा आफ्टर दिस इंडक्टर वोल्टेज विल बी 0 फॉर ऑल टाइम, आफ्टर दैट बेटा इंडक्टर वोल्टेज विल बी 0 फॉर ऑल टाइम इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग फर्दर ट्रिगरिंग, इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग फर्दर ट्रिगरिंग तो बेटा 0। अच्छा इंडक्टर करेंट भी क्या हो जाएगी सर, इंडक्टर करेंट भी 0, इंडक्टर करेंट भी क्या हो जाएगी सर, इंडक्टर करेंट भी 0। This is the way. Okay. Now, beta, what about capacitor voltage? Sir, it will be constant for all time and is nothing but 2 Vs. It will be constant for all time and is nothing but 2 Vs. ये रहे सारे responses. एक बार समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. Okay. एक बार समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. Yes, beta. Clear हैं इतने points सभी को? बोलते रहिए. Then ये रहे सारी कहानियाँ. अब बेटा जब आपको इतनी स्टोरीज पता चल गई हैं, तो किस इंस्टेंट पे एससीआर ऑफ होगा, 5 पे डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब अगर हम पेज नंबर 6 पे आए और कुछ पॉइंट फिर से लिखें तो क्या ये नहीं लिख सकते हैं? ओके कम्यूटेशन, बहुत ध्यान से समझना बेटा, कम्यूटेशन इंस्टेंट, द टाइम इंस्टेंट एट विच कम्यूटेशन अकर्स, इसको ऐसे लिख दें बेटा, द टाइम इंस्टेंट, द टाइम इंस्टेंट at which commutation will take place, commutation will take place, किस टाइम पे आएगा बेटा, जरा चेक करो। सो बेटा इट विल अपियर एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, टी ऑफ सी कम्यूटेशन इंस्टेंट बेटा इज नथिंग बट पाई बाई ओमेगा सेकेंड, पाई बाई ओमेगा सेकेंड, इस पे कम्यूटेशन आएगा, ठीक है। यानी कि सर जैसे ही हम एससीआर को ऑन करेंगे तो एक बार एससीआर ट्रिगर करने के बाद कब तक ऑन रहेगा, सर पाई तक। तो क्या ये लिख सकते हैं अगला पॉइंट बेटा, मिनिमम कंडक्शन पीरियड ऑफ एससीआर, मिनिमम कंडक्शन पीरियड ऑफ एससीआर, ये इंस्टेंट है बेटा, ओके टाइम कम्यूटेशन इंस्टेंट, ध्यान रखना पीरियड नहीं है। नाउ बेटा मिनिमम कंडक्शन पीरियड ऑफ एससीआर, मिनिमम कंडक्शन पीरियड, तो आपने ऑब्जर्व किया हो बेटा 0 से पाई तक ही तो करंट फ्लो हो रही है, उसके बाद नहीं हो रही है, तो कितना हो गया बेटा, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, तो टी ऑन ऑफ एससीआर दैट मींस कंडक्शन पीरियड इज बेटा पाई बाय ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट एवरीवेयर, ओके। सो नाउ बेटा वी कैन राइट ओमेगा नॉट इज 1/√LC, सो पाई √LC सेकंड्स, ये भी ध्यान रखना आपको, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन गेट में आते हैं इतना ध्यान रखिएगा, ओके इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन गेट में आते हैं इतना ध्यान रखिएगा, ये भी हो गया। नाउ अगले पॉइंट पे चलते हैं यार, अगला पॉइंट क्या कह रहा है सर, मिनिमम कंडक्शन पीरियड डन, नेक्स्ट बेटा मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक बाई एससीआर, नेक्स्ट बेटा ये भी अच्छा पॉइंट है, मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक बाई एससीआर, ये अगला पॉइंट बेटा, मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक बाई एससीआर, सॉरी मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक बाई एससीआर, ये कितना होगा अभी डिस्कस किया बेटा, ऊपर ये रहा देखो, मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक बाय एससीआर इज माइनस वीएस, तो इसका मतलब सर अगर हम एससीआर वोल्टेज को ड्रॉ करें देन एससीआर वोल्टेज विल लुक लाइक दिस वन, देन बेटा एससीआर वोल्टेज विल लुक लाइक दिस वन,
ओके बहुत ध्यान से, तो जीरो से लेके पाई तक तो एसईआर क्या है बेटा, ऑन है, तो जहां तक ऑन है वहां तक जीरो, अदरवाइज बेटा माइनस ऑफ वी, अदरवाइज बेटा माइनस ऑफ वी हो गया। तो दिस इज द एसईआर वोल्ट वी ऑफ टी, ओके जीरो, दिस इज पाई एंड आफ्टर दिस बेटा इट इज माइनस वी एस। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक बाय एसईआर, यू नो वेरी वेल यार, इट्स नथिंग बट वी कैन राइट बेटा, we can write beta v of t max equal to v of t max is equal to beta vs, okay, or we can say minus of, it is clear, or we can say beta minus of vs, that ye ho gaya beta maximum voltage block by scr। acha koi humse pucha maximum voltage block by capacitor to kya likhte beta, maximum voltage block by capacitor, maximum voltage block by capacitor, ek ek point ko sketch kar dijiyega, मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक बाय कैपेसिटर, मैक्सिमम वोल्टेज बेटा ब्लॉक बाय कैपेसिटर, मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक बाय कैपेसिटर, कितना वोल्टेज आया था बेटा 2 VS ना, तो वहां से देख लो, सो VC max इज नथिंग बट 2 VS। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे ऐसे, इतना ध्यान रखना का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, तो मैक्सिमम वोल्टेज ब्लॉक बाय दिस। नाउ बेटा मैक्सिमम करेंट थ्रू ईच एलिमेंट और SCR, मैक्सिमम करेंट थ्रू ईच एलिमेंट और SCR वो क्या हो जाएगी सर, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट थ्रू एसईआर बेटा, मैक्सिमम करंट थ्रू एसईआर अभी डिस्कस किए थे, तो आई ऑफ टी मैक्स इज नथिंग बट सर वीएस अंडर रूट सी बाई एल एम्पियर, वीएस अंडर रूट सी बाई एल एम्पियर, इतनी बात भी क्लियर, Vs under root C by L ampere. अभी बताओ, all the points are clear? And it is called beta type A commutation. ये क्या होता है? Type A commutation. अब इसी base पे हम बात करेंगे बेटा type B commutation की. इसकी बात करेंगे type B commutation की. तो एक बार मुझे सोच लेने दीजिए. Type A पे हम पूरा हो गया. Yes, done, 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 done. तो एक घंटे 20 मिनट में लगभग हमने इस जर्नी को पूरा कर दिया. Now बेटा we will discuss tomorrow type B commutation. कौन सा डिस्कस करेंगे बेटा, टाइप बी के जगह टाइप डी करेंगे हम लोग पहले, क्योंकि टाइप डी से ना टाइप डी टाइप बी के रिस्पेक्ट में थोड़ा आसान है, तो टाइप डी पहले करेंगे और टाइप डी से बहुत सारी पॉइंट समझ के फिर टाइप बी पे डिस्कशन करेंगे। तो टुमारो टॉपिक इज नथिंग बट बेटा वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर, वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर, टुमारो वी विल डिस्कस बेटा वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर, ये डिस्कस। Meanwhile, again just I want to tell you कि जैसे अगर आपको बेटा follow करना है तो आप जैसे आपके पास different different subject के सभी लोग अच्छे लोग available हैं, अगर मैं बात करूँ जैसे रेनू सर की क्लास की टाइमिंग 8:30 PM पे है, संतन सर 6 PM पे, अनंत सर दो सब्जेक्ट हैंडल कर रहे हैं EMT और मैथमेटिक्स, तो उनकी भी टाइमिंग है 3 PM 5 PM एंड माई टाइमिंग इज 10:30 PM एवरी डे। ओके इसके साथ साथ अगेन आई जस्ट वॉन्ट टू हम टेल यू बेटा इंस्टॉल दी गेट अटर 24/7 ऐप, ओके, और साथ में बेटा अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट सून।